हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ही बेसिक से सीखेंगे हम सारी चीज़ें। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस आप ध्यान से सीखिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। उसके बाद आप नोट करने का सोचना, पहले नोट कॉपी पेन नहीं लेना है आपको, बस एक बार वीडियो को पॉज करना है। इससे पहले आपने कभी सीखा हो प्रतिशत, या प्रतिशत के बारे में किसी ने आपको पढ़ाया हो, या आपने खुद से ट्राई किया हो, तो आपको मगर प्रॉब्लम आई हो। अगर आपको प्रॉब्लम आई है पास्ट में कभी, तो आज मेरा आपसे वादा है कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ये चैप्टर बहुत टफ है। अगर आपकी ये थिंकिंग है कि परसेंटेज ये चैप्टर बहुत टफ है और मेरे को नहीं आएगा, तो आज आपकी थिंकिंग चेंज होने वाली है। आप एकदम बिल्कुल सही जगह पर आए हो और आपने एकदम सही जगह क्लिक किया। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रोहित भारद्वाज। तो आज इसी के साथ आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रतिशत चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखते हैं प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले जो बात आती है, आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत में क्या होता है, इसका मतलब क्या है। प्रति प्लस में सत, और सत माने होता है 100, प्रत्येक पर 100। प्रति माने होता है प्रत्येक, कहते नहीं कि ये केले या फिर सेब है, सेब कैसे दिए हैं, तो वो कहता है 10 रुपये प्रति किलो, यानी 10 रुपये प्रति किलो, यानी हर किलो पर 10 रुपये, यानी 1 किलो लोगे तो 10 रुपये, फिर अगला एक और किलो लोगे, यानी एक एक 2 किलो हो गए, तो दोनों बार आपको 10 10 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आया, यानी प्रत्येक पर 100। तो वैसे ही कह रहा है प्रति किलो ही, प्रति किलो जैसे होता है, तो प्रत्येक किलो पर आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई रेट बताता है, तो वैसे ही बता रहा है वो, प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, ऐसे प्रतिशत का मतलब ये होता है। इंग्लिश में परसेंटेज तो पर प्लस सेंट, और सेंट माने होता है 100, और पर माने तो पता ही है आपको प्रत्येक। अच्छा, तो ये हो गया इसका मीनिंग। यानी कि अगर मान लो आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे 60% मार्क्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 100 में से उसे अपने मार्क्स बता रहे हो। बेशक से आपके 300 या 600, टोटल 600 है, 600 में से आपको मार्क्स आ रखे हो, जो भी आ रखे हो समथिंग, बट अगर आप बोल रहे हो उसको 60% मार्क्स हैं, तो ये मान लो 100, तो आप एज्यूम यानी ये सोच के बता रहे हो कि अगर आपको से कोई पूछेगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स, तो आप ये बताओगे 60% है, तो आप टोटल मार्क्स कितने हैं 600, तो 600 का 60% कितना होगा, वो आपके टोटल मार्क्स होंगे। तो देखते हैं, ये सब चीज़ें हम निकालना सीखेंगे। अभी बस इतनी बात ध्यान रखो, प्रतिशत माने प्रत्येक पर 100, यानी प्रति प्लस में 100, प्रत्येक के नीचे 100। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो ए वन बाई वन सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, कभी भी कोई भी संख्या दे रखी है, कभी भी कोई संख्या दे रखी हो, या फिर कोई दे रखी हो भिन्न, ठीक है, तो भिन्न दे रखी हो या फिर कोई संख्या दे रखी हो, उसको प्रतिशत में हमें बदलना है। संख्या से प्रतिशत में बदलना, कि संख्या से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हम ये चीज़ सीखेंगे। और ऐसे इंग्लिश में बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, कन्वर्ट नंबर्स इनटू परसेंटेज, यानी नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, कभी भी किसी भी नंबर को या फिर किसी भी संख्या को, दोनों एक ही बात है वैसे, नंबर और संख्या, कभी भी किसी भी नंबर को या फिर कभी भी किसी फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को या फिर किसी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपने एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, यानी उस आंसर के बगल में आप 100 लिख दीजिए, तो वो कन्वर्ट हो गया प्रतिशत में। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। चलते हैं आगे, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, 9 है, 9 को आपने, 9 है, 9 एक संख्या है यानी एक नंबर है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना था यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। आपने क्या कहा, अभी अभी हमने सीखा 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपने 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 100 से करने के बाद 900 आया, तो 9 को अगर परसेंटेज में कोई कहना चाहेगा कि कितना है, तो वो क्या है, 900%, कितना है, 900%। ऐसे ही 25 है, 25 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 2500
परसेंटेज, पीछे परसेंटेज लगा। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पे मैं सिखाता हूँ आपको, जैसे 9 है ठीक है, 9 को करने के बाद आपने क्या कहा, 900 परसेंटेज आ रहा है, क्लियर है, तो 9 इक्वल आ गया 900 परसेंटेज के, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, हाँ है, क्योंकि 9 को ही हमने कन्वर्ट करके किस में लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई करा तो परसेंटेज में 900 परसेंटेज, इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। देख लेते हैं इक्वल है नहीं है, ये देखो 9 है, 900 परसेंटेज है, परसेंटेज हटता है तो क्या लगता है, ये चीज़ें देखो आगे सिखाएंगे, बट अभी मैं मेरी बात को समझो, कभी भी ये जो परसेंटेज का साइन होता है अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो नीचे क्या आता है, नीचे क्या आता है, नीचे आता है मेरे बच्चों, ये क्या प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट रुको ठीक है, हाँ 900 है, नीचे क्या है 100 है, क्लियर, तो परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, 10 से 10 कट हो गया, क्या बच गया 9, ठीक है, यानी 900 परसेंटेज किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, किसके इक्वल है 9 के, इतनी बात क्लियर, तो यानी कि ऐसे आ गई बात समझ में, ऐसे ही कह रहे हैं 25 है, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 2500 परसेंटेज आ गया। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, 2500 परसेंटेज है, तो 2500 को ऐसे ही रहने दो, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 25, क्लियर है, 25 को ही तो आपने 2500 परसेंटेज लिखा था 100 से मल्टीप्लाई करके, और जब आपने परसेंटेज हटाया इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया 25, यानी एकदम करेक्ट चल रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे 79 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7900 परसेंटेज हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। ये था नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी कन्वर्ट नंबर्स इंटू परसेंटेज, यानी संख्या से प्रतिशत में बदलना। अब ये भिन्न से प्रतिशत बदलना, दोनों सेम ही मेथड है, जो लास्ट वाला प्रीवियस ही का हमने, और ये वाला 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3/5 है, 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × में 100 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5, ये देखिए 3/5 है ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है तो आप क्या करोगे, 3/5 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, आप चाहो तो परसेंटेज लिख सकते हो इसके पीछे, तो अगर कट हो रहा है तो कट कर देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इतना आ गया, 3 को 100 से करा 300, नीचे तो 5 चला, अब कट कर दो, 5 बन जा 5, 5 6 30, कितना आया मेरे बच्चों 60 आ गया ना 60, तो ऐसे करके ये देखिए 60 परसेंटेज तो आ रहा है ठीक है, यानी जो आंसर आता है उस एंड में, ये परसेंटेज मैंने साइन लगाया था, दोबारा परसेंटेज लगाते हो चलो बस, वो क्या होता है फाइनली लगा देते हैं हम परसेंटेज, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, बाकी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इतनी बात क्लियर, चलते हैं आगे। ऐसे ही करना है 1/7 है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो बस 1 को 100 से किया तो 100 नीचे 9/7 आ रहा है, ये कटेगा तो है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, 7/25 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 100 हो गया, नीचे 25 है, 25 से 100 को कट कर दिया, कितना आ गया 4 आ गया, 7 × 4 बच गया 28 आ गया, यानी ये जो आंसर आया है इसके पीछे आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा, 28 परसेंटेज आ गया, कितना आ गया 28 परसेंटेज, इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। यानी आपने दो चीज़ें सीख ली कि अगर किसी नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, और किसी फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, इतनी बात क्लियर है। अब हम इसका वाइस वर्सा यानी कि इसका उल्टा सीखेंगे कि अगर एक चीज़ ऑलरेडी परसेंटेज में दे रखी है तो उसको नंबर में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन, और देखो जब आप परसेंटेज से उसमें कन्वर्ट करोगे यानी कि फ्रैक्शन में, अगर वो उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा यानी डिनोमिनेटर कुछ नहीं आ रहा तो वो एक नंबर बन जाता है और वैसे वो फ्रैक्शन होता है ठीक है, और वैसे और हर नंबर, ये बात पे ध्यान दीजिए, जितने भी नंबर हैं सारे नंबर फ्रैक्शन होते ही होते हैं क्योंकि उनके नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना। अब मेरी बात को समझिए, ये वाली बात किसी और वीडियो में करेंगे, वैसे 3 है, 3 एक 3 है, 5 है, 7 है, 0 है, 1 है, ये सब फ्रैक्शन है नहीं है, भिन्न है क्योंकि रेशनल नंबर है नहीं है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके नीचे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, चाहें तो लिख सकते हैं आगे बढ़ सकते, तब भी इसका वैल्यू 3 रहेगी, इसके वैल्यू 5, इसके वैल्यू 7, इतनी बात के लिए ना।
तो अभी फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, 35% है। अब जैसे 35% है, इसे हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि नॉर्मल, यानी परसेंटेज जो साइन है उसको हटाना है, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में लाना है। तो परसेंटेज हटता है, कभी भी ये जो परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। बस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, 35 को आप यहीं रहने दो, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब कट कर लो, लास्ट डिजिट 5 है और लास्ट डिजिट 0 है, यानी डेफिनेटली दोनों 5 से कट होने वाले हैं, 5 7 जा और 5 2 जा, तो क्या बच गया, 7/20। इतनी बात क्लियर है, नहीं क्लियर, तो 35% कितना है, 7/20। देखो मैं आपको ना इसका अपोजिट भी करके दिखाता हूँ, एक मिनट चाहिए, बस एक मिनट टाइम दीजिए। अभी अभी आपने क्या करा, 35% को आपने किस में करा, 7/20। अब सपोज करते हैं 7/20 ही आ गया आपके पास, ठीक है, 7/20 ही आ गया, और इसको कोई कहेगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, सिंपल बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस कितने परसेंटेज के इक्वल है, हमें ये बताना है। तो 21 जा 20, 25 जा 100, क्लियर है, तो 7 × 5 देखो आया ना 35%। यानी अगर मेरे पे एक फ्रैक्शन है 7/20, इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा, सॉल्व किया, कट कुट किया, और फाइनली आंसर 35% आ गया। और अगर परसेंटेज में दे रखा है ऑलरेडी कि 35% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज हटता है, नीचे से 100 आता है, कट कुट किया, 7/20 आ गया, है ना, कितना इजी। यानी कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, सारे ऐसे ही करेंगे, बाकी आप करके देखना, किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझको बता देना। 75% है, यानी कमेंट कर देना, परसेंटेज हटा, नीचे 100 आ गया, 25। देखो कभी भी हमेशा छोटे से कट करना स्टार्ट करो, एक बार में उससे मत कट कर दो बड़े से, जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। पीछे 5 है, लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 5 है, यानी डेफिनेटली 5 से कट होने वाला है, 5 से कट करा, 5 से कट करा, फिर 5 और फिर 0, फिर 5 से कट होने वाला है, 5 3 और 5 4, कितनी बात के लिए, 3/4 आ गया, है ना इजी। ऐसे 50% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, 5/10 आ गया, तो क्या बच गया, 1/2, क्लियर है ना इजी। तो ऐसे करके हमने ये सब चीज़ें सीख ली, हाँ है ना। तो यानी कि अभी हमने क्या सीख लिया, परसेंटेज होता क्या है, उसके बाद हमने सीखा संख्या से प्रतिशत में बदलना, यानी कन्वर्ट नंबर इनटू परसेंटेज, उसके बाद हमने सीखा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फिर हमने सीखा परसेंटेज से नंबर ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी परसेंटेज के साइन को रिमूव करना, कैसे रिमूव करते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, मान लो कहीं पर 1700 इनटू में 15% है, तो 1700 है, 1700 को 1700 है, तो जो का है उसकी जगह उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कट गए, बच क्या गया, 17 × 15, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया कितना है, ऐसे ही है 350 × 16, परसेंटेज हटा, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट करा, 2 5 2 जा और 5 7 जा, फिर यहाँ पे 2 बचा है, 2 8 जा 16, तो 7 × 8 बच गया, आंसर आ गया 56, है इजी नहीं है, क्लियर है, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। अभी हमने सीखा संख्या से यानी नंबर, तो अभी हम ने बहुत सब चीज़ें सीख ली है, यानी कि बेसिक सीख लिया है कि नंबर से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज के साइन को कैसे रिमूव करते हैं, यानी परसेंटेज से हम एक नंबर में या फिर एक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है। अब हमें सीखना है दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, यानी पॉइंट वाले जो नंबर रहेंगे, पॉइंट वाली जो संख्या रहेंगी, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, वो भी इतना ही इजी है, उनको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उनको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उनको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व करना आना चाहिए। अब मान लो ये है 7.5 इंटू में है 100, ठीक है, तो 7.5 है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 0, 100 है, 1 0 से 1 0 कट गया, बच किया गया 75 × 10, 750 आंसर आ गया, यानी 750। और अच्छा ये 7.5 था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते ना, तो अब जो फाइनली आंसर आया उसके पीछे आपको परसेंटेज लगाना ही होगा, क्लियर, यानी 7.5 किसके इक्वल है, अगर कोई पूछना चाहेगा पूछता है हमसे, तो हम कहेंगे 750 परसेंटेज के इक्वल है, और 750 परसेंटेज को आप सॉल्व करोगे तो देखना यही आएगा, परसेंटेज हटा तो नीचे क्या आ गया, 100, 10 से 10 कट गए, 1 0 तो 1 पॉइंट लगा दो,
हो गया, ऐसे करना है। चलें आगे।